गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत. सो जो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, आज हम उसका लास्ट पैराग्राफ करेंगे. लोकेटिंग प्लेसेस यानी स्थानों को, प्लेस क्या होता है, जगह, स्थान, स्थानों को दिखाना, कैसे दिखाना है. हम क्या करते हैं, ग्लोब के थ्रू दिखा सकते हैं, मैप के थ्रू दिखा सकते हैं. तो देखिए इसमें देखते हैं हम क्या बताया गया है. दीज पैरलर्स एंड मेरिडियंस हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब. जो पैरलर्स होते हैं और मेरिडियंस होते हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं कि ग्लोब पे जो भी कोई हमें प्लेस दिखाना है उसे सही ढंग से दिखाया जा सके. द नॉलेज ऑफ आइदर ऑफ देम इज नॉट इनफ, लेकिन ये जानकारी ही क्या है, काफ़ी नहीं है. इनफ होता है काफ़ी, इज नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है. वी मस्ट नो बोथ ऑफ देम फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. हमें क्या होता है, वी मस्ट नो, हम क्या जानना चाहते हैं, बोथ ऑफ देम, दोनों को, फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कि जो लोकेशन है, जगह है, उसकी एग्जैक्ट पोजिशन क्या है, वो कहाँ पर स्थित है. द पैरलर्स एंड मेरिडियंस क्रॉस ईच अदर. जो पैरलर्स होते हैं और मेरिडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस काटते हैं. ईच अदर एंड फ्रॉम अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, पैरलर्स और मेरिडियंस एक दूसरे को काटते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रिड. इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड. ये देखिए आपको ग्रिड का डायग्राम दिया गया है. ये आपकी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, प्राइम मेरिडियंस. इन्होंने बताया है कि जो मेरिडियंस हैं एंड पैरलर्स हैं ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं. कहाँ पे काटते हैं, जिस स्थान पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ग्रिड. ग्रिड यानी जाली. ग्रिड कैन आल्सो हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस. जो ग्रिड होती है वो भी जगह दिखाने के काम आती है, स्थान दिखाने के काम आती है. द पॉइंट एट विच द पैरलर एंड द मेरिडियंस क्रॉस, जो पॉइंट होता है जहाँ से पैरलर्स और मेरिडियंस क्या होते हैं, क्रॉस यानी गुजरते हैं, ईच अदर डिनोट्स द लोकेशन ऑफ दैट प्लेसेस. प्लेस जहाँ पर से पैरलर्स एंड मेरिडियंस गुजरते हैं, जहाँ पर लोकेशन दिखाई जाती है वो क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है. तो आज आपका ये क्या हो गया है, लेसन कंप्लीट हो चुका है. लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, आपको ग्रिड के बारे में नॉलेज दी गई है कि ग्रिड में क्या दिखाया जाता है, ग्रिड के थ्रू क्या दिखाया जाता है, पैरलल क्या होता है, पैरलल ऑफ लेटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और क्या है आपको पैरलर्स ऑफ लेटिट्यूड्स, ये सब चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं. सो आपको केयरफुली इस लेसन को, फुल लेसन को रीड करना है अच्छे से. और अब पूरे लेसन के बिहाफ पर मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं, केवल वो ही वर्ड मीनिंग आपको क्या है, अपनी फेयर नोटबुक पर नोटिस करने हैं, राइट करने हैं नीट एंड क्लीन राइटिंग में. तो देखिए लेसन नंबर 2, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स, राइट वर्ड मीनिंग ऑन फेयर नोटबुक. आपको केवल ये वर्ड मीनिंग क्या है अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं. लेटिट्यूड्स अक्षांश विस्तार, लॉन्गिट्यूड्स देशांतर, लोकेट पता ढूंढना, ग्रिड जाली, सरफेस सतह, पैरलर्स समांतर, इंटरसेक्ट काटना, हेमिस्फीयर अर्धगोला, मेरिडियंस भूमध्य रेखा, लाइंग लेटा हुआ, लेइंग लेटा हुआ, टूवर्ड्स की ओर, इक्वेटर होता है भूचक्र या भूमध्य रेखा. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.